मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं यूपी के गाजीपुर जिला की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मेरा शरीर बिल्कुल भरा हुआ है। मेरे बूब्स 34, मेरी कमर 30 और मेरी गांड 32 की है। मैं देखने में इतनी ज्यादा आकर्षक लगती हूँ कि मेरे कॉलेज के सारे लड़की मेरे ऊपर फिदा रहते हैं। आज की कहानी मेरे साथ में तो सच्ची घटना है, जिसमें हरामी मामा ने मुझे, मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पापा किराना का दुकान चलाते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन जो अभी 12 वर्ष की है और मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी 8 साल का है। यह बात मई से जून के महीनों की है। मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और तभी हमारे मामा के यहाँ शादी थी, तो पापा ने मुझे और मेरी बहन को एक महीना पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया था। हम लोग वहाँ गए। मैं काफी दिनों बाद गई थी क्योंकि पढ़ाई के कारण मैं अक्सर नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छा से स्वागत हुआ। मेरे छोटे मामा, जिनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, वे बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटी मामा मुझे देखकर बोले, अरे सोनी, तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो चुकी हो। उनकी आवाज सुनते ही मैं शर्मा गई। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शायद मेरा शक सही था। मेरे मामा मुझे प्यार से नहीं बल्कि हवस के कारण गले लगाए हुए थे। हम हमेशा गर्मियों की छुट्टियां मनाने नानी के घर सिमडेगा, झारखंड जाते थे। मेरी नानी का घर 3 BHK फ्लैट है, पर इस बार सिर्फ मैं और मम्मी जा रहे थे क्योंकि पापा को जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी और दोनों भाइयों ने घर पे रहकर पापा का हेल्प करने का सोचा क्योंकि मम्मी नहीं रहेंगी घर पे, तो पापा को सारा काम खुद करना होगा। और फिर मैं और मम्मी नानी घर के लिए निकल गए। मेरे नानी घर में मेरी नानी, मेरी मम्मी से छोटी दो मौसी और एक मेरे मामा जी है। दोनों मौसी ग्रेजुएशन के लिए बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है और राहुल मामा भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पर घर पे रहकर क्योंकि उन्हें उनका फैमिली बिजनेस भी देखना होता है। राहुल 23 साल के होंगे और अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हम दोनों नानी घर पहुँचे तो दोपहर के 12 बजे थे। फिर फ्रेश होकर हम लोगों ने साथ खाना खाया। तभी घर में सिर्फ नानी जी थी। खाना खाने के बाद मैं एक कमरे में चादर ओढ़कर सो गई और फिर यात्रा की थकावट की वजह से नींद भी आ गई। शाम के 4 बजे मेरी नींद खुली तो मैं उठकर बाथरूम गई और फिर दरवाजा सटाकर मूतने लगी। उस बाथरूम के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और मैं टॉयलेट सीट पर टांगे फैलाई बैठी हुई मूत रही थी। तभी अचानक से दरवाजा खुला। मैं तो डर से सीट पर बैठी रही, लेकिन मेरे मामा राहुल, जिन्होंने गलती से दरवाजा खोल दिया था, मेरी बुर को ही देखते रहे। मामा, ओह सॉरी, दरवाजा पकड़कर बैठती न, और वो मेरी बुर को घूर कर चले गए। मेरा बदन तो सिहर गया, लेकिन जिस कदर मामा मेरी बुर को देख रहे थे, मैं समझ गई कि ये साला मेरे पर नजर डालेगा और साथ ही मुझे रिझाने की कोशिश भी करेगा ताकि मेरी बुर के साथ मजा कर सके। और मैं तो पहले से ही सेक्स और मर्द के शरीर को नंगा देखने के लिए उत्सुक थी और कुंवारी लड़कियों की तरह मैंने सोचा कि रात को सबके सोते ही मामा के साथ सेक्स कर लूंगी क्योंकि मुझे मेरे मामा पे क्रश था। मेरा मामा बिल्कुल फिट रहता है, किसी एथलीट के जैसा, और वो बहुत सीधा और प्यारा है। लेकिन आसानी से सब आइटम परोस दी तो वो मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं अब हॉल में आकर बैठी तो मामा जी वहीं पर बैठे हुए थे, मुझे तिरछी नजरों से देख रहे थे। तो मैं वहीं बेड पर बैठ गई और नानी शायद चाय बना रही थी, तो माँ भी उधर ही थी। राहुल मेरी चुचियों को भूखे भेड़िए की तरह देख रहा था और मैं शर्म महसूस करते हुए सर झुकाए बैठी थी। तभी मामा पूछे, मामा जिया, तुम कितने टाइम बाद यहाँ आई हो?
मैं चेहरा ऊपर कर बोली, जी मुश्किल से 9 महीने हुए होंगे। क्यों मामा? वो हंसकर बोले, तो फिर चलो मैं तुम्हें सिमडेगा का नेशनल पार्क घूमता हूँ, और हमने एक नया फ्लैट भी लिया है, यही पास में, वह भी दिखाऊंगा। मुझे उन पर शक हुआ तो मैंने कहा, क्या मामा आपको लगता है मैं इतनी दूर से फ्लैट देखने आई हूँ? फ्लैट भी कोई देखने की चीज होती है क्या? फिर माँ और नानी दोनों आ गए और सब लोग साथ में चाय पी रहे थे। मेरी ओर देखते हुए नानी मजाक में मम्मी से बोली, नानी बेटी अब प्रीति के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी क्यों नहीं करा देती? मैं शर्माने की बजाय हंसती, मैं क्या नानी, अभी तो मेरी उम्र खेलने कूदने की है, क्यों इतनी जल्दी शादी के बंधन में बांधना चाहती हैं मुझे? मामा बोले, सो क्या तुम्हारी उम्र 10 साल की है? 20-21 साल की हो तो चुकी हो। मैं बोली, तो पहले आप क्यों नहीं शादी करते? फिर चाय का प्याला रखकर मैं रूम में गई तो पीछे से माँ भी आई। माँ कितनी बेशर्म हो गई है, इस तरह से नानी से कोई मुंह लगाता है भला? तुम जाओ राहुल के साथ जाकर घूम फिर लो थोड़ा। फिर मैं अपना सलवार सूट को खोलकर टॉप और स्कर्ट पहन ली, जो कि मेरे जिस्म के उभार को दर्शा रहे थे। फिर मामा और मैं साथ में घर से निकले। मुझे मालूम था कि नेशनल पार्क यहाँ से 2 किलोमीटर है, जहाँ तक चलकर जाना होगा। वैसे भी बसंत ऋतु का समय था और दोनों नेशनल पार्क की ओर चल दिए। खेतों का नजारा लेते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे कि मामा अचानक से मेरे कमर में हाथ डाल दिए। मैं हाथ झटकते हुए बोली, मैं ये क्या? मामा जवान भांजी के कमर में हाथ डाल दिए। आ मामा सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हारे कदम कहीं फिसल ना जाएं। मैं बोली, आपकी तो नजरें टिकी रहती है मुझ पर, क्यों मामा? वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। मामा तुम दरवाजा को पकड़ बैठती तो फिर, ये कहकर चुप हो गए। साला मेरी बुर को देखकर अपने आंखों में बसा लिया था। और फिर थोड़ी दूरी चलने के बाद एक अपार्टमेंट आया, वहाँ पर एक नया फ्लैट लिया था नानी ने मामा के लिए। तभी मामा जी ने कहा कि इतनी दूर आ गई हो तो फ्लैट भी देखती जाओ, और मुझे फ्लैट पे ले गए और फ्लैट का ताला खोला तो मैं सहमति हुई अंदर अपने कदम रखे। यह फ्लैट भी 3 BHK ही था और बहुत सुंदर था। वहाँ पर शायद शिफ्टिंग का काम चालू था, पर अभी भी बहुत काम बचा हुआ था। मैं यह सब देख ही रही थी कि तभी मामा अचानक से मुझे पीछे से दबोच कर चूमने लगे। ये क्या? मामा जवान भांजी के कमर में हाथ डाल दिए। आप मामा सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हारे कदम कहीं फिसल ना जाएं। मैं बोली, आपकी तो नजरें टिकी रहती है मुझ पर, क्यों मामा? वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। मामा तुम दरवाजा को पकड़ बैठती तो फिर, ये कहकर चुप हो गए। साला मेरी बुर को देखकर अपने आंखों में बसा लिया था। और फिर थोड़ी दूरी चलने के बाद एक अपार्टमेंट आया, वहाँ पर एक नया फ्लैट लिया था नानी ने मामा के लिए। तभी मामा जी ने कहा कि इतनी दूर आ गई हो तो फ्लैट भी देखती जाओ, और मुझे फ्लैट पे ले गए और फ्लैट का ताला खोला तो मैं सहमति हुई अंदर अपने कदम रखे। यह फ्लैट भी 3 BHK ही था और बहुत सुंदर था। वहाँ पर शायद शिफ्टिंग का काम चालू था, पर अभी भी बहुत काम बचा हुआ था। मैं यह सब देख ही रही थी कि तभी मामा अचानक से मुझे पीछे से दबोच कर चूमने लगे। मैं क्या? मामा तुम फ्लैट दिखाने लाए हो या कुछ और? छोड़ो, नहीं तो तेरी शिकायत करूंगी।